अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी पर क्यों प्रेशर बना रहे हैं, कैसे प्रेशर बना रहे हैं। आइए जरा आपको समझाता हूं, इस तराजू से समझिए सपा की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी का वजन ज्यादा है क्योंकि 37 सीट है और अखिलेश दो पलट के हुए। लेकिन अब आ जाइए उत्तर प्रदेश और यहां पर भार देखिए, अखिलेश यादव 107 पर पहुंच गए तो राहुल गांधी दो पर अटके हुए। ये तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर थी। अब आ जाइए उपचुनाव में क्या होगा। उपचुनाव में तो बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि लोकसभा हाल ही में बीता और अखिलेश यादव ने 37 सीट उसमें हासिल की है, कांग्रेस के पास 6 है, तो किस आधार पर राहुल गांधी को सीट दे दें। यही तो कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव प्रेशर बनाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तार सीधे सीधे महाराष्ट्र से वो जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव में तो ठीक चला, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 37 सीट जीतकर बड़ी पार्टी बन गई तो कांग्रेस 6 सीटों पर जीत गई। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अपना दावा मजबूत रखते हुए, हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जल्द महागठबंधन की बात सामने आ जाएगी, करेंगे क्या करेंगे। लेकिन आप सोचिए एक के बाद एक प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे अखिलेश बना रहे, सुनवाता हूं आपको। यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये दो लड़कों की जोड़ी क्या टूटने वाली है या फिर साथ चलेगी। आइए जरा आपको यह भी मैं बता देता हूं, दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर ऐलान नहीं हुआ। अब अखिलेश ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को लेकर खबर है कि गाजियाबाद सीट को लेकर सहमति बन गई है। खैर सीट सपा अपने पास रखना चाहती है, खैर सीट पर समाजवादी पार्टी ने खुद को दमदार बता दिया है और मीरापुर सीट देने से सपा ने इनकार कर दिया है, तो राहुल जाएंगे कहां। कांग्रेस ने गाजियाबाद खैर सीट मांग ली, मीरापुर सीट को लेकर भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन अखिलेश इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव अभी बची हुई सीटों पर फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, यानी इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। और उसके पीछे की वजह आपको पता है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। अब उन्होंने वहां भी दावा ठोक दिया है, अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है तो इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अखिलेश यादव कांग्रेस को भी उसकी मांगी गई सीटें दे सकते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र में ज्यादा सीट चाहिए। अब सोचिए दर्शकों, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव सीट मांग रहे हैं तब जाकर वो उत्तर प्रदेश में देंगे, लेकिन और संभावनाएं, वो संभावनाएं क्या है वो भी आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दो ही विधायक हैं तो आपको पता है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के भी दो विधायक हैं। यहां पल्ला बिल्कुल बारी 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 से चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मांगी गई सीट मिल सकती है तो महाराष्ट्र में सपा को मनचाही सीट मिलेगी, तभी यह संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं देंगे राहुल गांधी। और आप सोचिए दर्शकों कि जब ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस जोड़ी में दरार आ सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको याद है कहा बटेंगे तो कटेंगे, और इसी लाइन को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंपैक्ट दिखाई दिया। नतीजा रहा कि बीजेपी ने तीसरी बार रिकॉर्ड जीत हासिल की, लेकिन हरियाणा के बाद अब इस लाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, सीधा संदेश यही है कि इसी लाइन पर आगे बढ़ा जाएगा, और इसलिए विपक्षी खेमे में टेंशन बढ़ गई है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि बटेंगे तो कटेंगे का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से क्यों है। बयान दिया सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असर कहां हुआ हरियाणा में। अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जहां उपचुनाव होना है
वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन यहीं से जाता है और यही सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर इस लाइन पर चले तो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस और सपा का गठबंधन अभी पूरा नहीं हो पाया है, वहां पर भी जीत बीजेपी को मिल सकती है। देखिए इस रिपोर्ट। तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाली जो लाइन सेट की, जिसके बाद सनातनियों के एक होने के एग्जाम्पल सामने आने लगे, उसके बाद से वो लगातार विरोधियों के निशाने पर है। शुरुआत यूपी से हुई, सबसे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी को है, तभी तो बयान की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं। तो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? हर बार की तरह अखिलेश यादव की बात को आगे सांसद अफजाल अंसारी ही ले जा रहे हैं। बटेंगे वाले बयान पर भी अफजाल ने निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, ये नारा नहीं, कोड वर्ड है। एक बार आई तो जो हुआ, उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। कि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर जो राजनीति की गोटी सेट करते थे वो संभव नहीं है, इसीलिए अफजाल अंसारी इस तरह का बयान दे रहे हैं। अफजाल अंसारी से मेरा सवाल है कि आप तो अपराध और अपराधी की दुनिया में रहे हैं, क्या कटने बटने का कोई कोड वर्ड अपराध की दुनिया में आप लोग इस्तेमाल करते थे? सियासत होती है, होती रहेगी, लेकिन सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी और मोहन भागवत से लेकर हिंदू धर्म गुरु एक ही बात कह रहे हैं, एक साथ रहना। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा।